मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि इस तरह के जो भी इंडेक्स होते हैं उसमें भारत की स्थिति क्या है, टॉप पर कौन है, नीचे से टॉप कौन कर रहा है, कौन संस्था इसे जारी करता है इस इंडेक्स को, इन सब पॉइंटों के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा, किस आधारों पर इसे तैयार किया जाता है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी प्रारंभिक परीक्षा में और लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार इस तरह के, और लिखित परीक्षा में क्वेश्चंस ना डायरेक्ट बनने की बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो आप समझिए वहां भी आप लोगों को इन सूचकांकों का उपयोग कर सकते हैं आप लोग, और वन डे एग्जाम में भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सिविल सर्विस हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, उनमें भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कोविड प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। कौन सा? भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। इसमें 98 देशों को शामिल किया गया है और भारत की स्थिति क्या रही है? 86वें स्थान। आप समझ सकते हैं कि हमें 86वां स्थान मिला है 98वें स्थान पर, 98 देशों का एक तरह से रखा गया है। एक तरह से आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी क्लास में 98 लड़के हैं, ठीक है, उनमें से भारत को, यानी कि किसी बच्चे की स्थिति है 86, तो भारत की स्थिति है 86, ठीक है। और मैं पहले भी बात आप लोगों से बात कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा है कि जो भी कोविड से संबंधित गाइडलाइन थी, जो भी डिस्टेंसिंग के पालन की बात हो या फिर मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, ये आम लोगों के लिए थी। आप समझिए कि आपने देखा होगा बिहार का चुनाव भी आपने देखा है, आपने एमपी में भी चुनाव देखा है, आपने कहां कहीं नेताओं के द्वारा कहीं कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। हम आप अगर कोई अपने घर में कोई भी त्योहार है या कुछ और कर रहे हैं, तब आपने देखा होगा कि बड़ी गाइडलाइनों का प्रयोग किया गया, और नहीं किया गया तो करवाया गया जबरदस्ती। तो एक बात तो आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी कि जो नियम कानून होते हैं एक मध्यम परिवार या फिर गरीब परिवारों के लिए होते हैं, नेताओं के लिए आपने देखा है कोई नियम कानून का पालन नहीं होता है, और ना ही इन पर कोई एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। और आप समझिए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हमारे देश में इसलिए अधिक संख्या में कोविड पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है अधिक। मान लीजिए कि जैसे मेरा शरीर है और इसकी मैं चेकिंग ना करवाऊं, यानी कि मैं एक तरह से आप समझिए कि इसे ना दिखाऊं, डॉक्टर के पास ना जाऊं, तो मुझे भी मालूम नहीं रहेगा ना किसी और को मालूम रहेगा कि इसमें किस कितने तरह की बीमारियां भरी पड़ी हुई हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकिंग कराएंगे, तब मालूम चलेगा कि असल में कितनी बीमारियां हैं हमारे अंदर। तो यही हुआ है, आप समझिए कि अगर अच्छे से टेस्टिंग भारत में होती तो आप सभी लोग जानते हैं क्या स्थिति होती भारत की, आप समझ रहे हैं? आप खुद के देखिए कि जहां लाखों की संख्या बिहार में चुनाव में आपने देखा है, वहां आप समझिए किस तरह से फैला होगा, लेकिन आपने देखा है ध्यान भी नहीं दिया है किसी ने, ठीक है, खैर छोड़िए इस बात आप, लेकिन इस सूचकांक को जरूर आप लोग याद रखिए क्योंकि मुझे लगता है इससे क्वेश्चन इस बार बन सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि कोविड ने आपका पूरी दुनिया को हिला के रख दिया एक तरह से, आप समझ रहे हैं? सूचकांक के बारे में बात करें तो इसमें कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को सिडनी स्थित लोवी संस्थान, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, द्वारा संकलित किया गया है। इस सूचकांक में महामारी के प्रति देशों की प्रतिक्रिया को मापा गया है। आप देखेंगे इस सिडनी में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी, देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया आपका, यहाँ की एक है थिंक टैंक एजेंसी है, ठीक है, लॉबी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2003 में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, ये भी कई बार पूछ लेता है, पूछ लेगा कि इसे कोविड प्रदर्शन सूचकांक को किसने जारी किया था, तो याद रखना लॉबी इंस्टीट्यूट ने, और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, कहाँ है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखिए। संस्थान द्वारा परिणामों के आकलन में भूगोल, राजनीतिक प्रणालियों और आर्थिक विकास के प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है इसमें। इसे जब इस रिपोर्ट को जब तैयार किया गया है, इस सूचकांक को जब बनाया गया है, तो उसमें भूगोल, राजनीतिक प्रणालियों और आर्थिक विकास के प्रभाव को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे क्वेश्चंस आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में इस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है। इसमें शामिल पैरामीटर के बारे में पूछा जा सकता है, संकेतकों के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि जो आपके कोविड प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है,
एक किन आधारों पर क्या या फिर किन संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है? तो इसमें आपका पहले पुष्टिकृत मामलों की संख्या, फिर है आपका पुष्टिकृत मौतों की संख्या, फिर आप देखिए प्रति मिलियन आबादी पर मामलों की संख्या, फिर आप देखेंगे प्रति मिलियन आबादी पर मरने वाले लोगों की संख्या, फिर आप देखेंगे परीक्षणों के अनुपात में मामलों की संख्या, फिर आप देखेंगे प्रति हजार जनसंख्या पर किए गए परीक्षणों की संख्या। इस तरह के 6 संकेतकों के आधार पर से तैयार किया गया है। इन 6 संकेतकों को आपको भी याद रखना है, ठीक है? कम मामले और मौतों की संख्या कुल और प्रति व्यक्ति दोनों अर्थों में वायरस के बेहतर प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हैं। प्रति व्यक्ति आधार पर किए गए अधिक परीक्षणों से राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की सीमा की सटीक तस्वीर सामने आती है। और आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप समझिए हम लोगों ने किस तरह की टेस्टिंग की है, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारी यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इससे आप लोग बेहतर जानते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये बुराई करने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है आप सभी को जग जाहिर है। वैसे सकारात्मक परीक्षणों की निम्न दर COVID-19 के संचरण पर अधिक से अधिक नियंत्रण का संकेत देती है। और मूल्यांकन की विधि की बात करें तो 36 हफ्तों में 98 देशों द्वारा अपने यहाँ 100 मामलों का आकलन किया गया और चीन को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसकी सभी परीक्षण दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि चाइना ने अपने जो भी केस रहे हैं उन्हें सबके सामने रखा भी नहीं है, आप समझ रहे हैं? इसलिए चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपने देखा है कि चाइना में इस वायरस की उत्पत्ति हुई और चाइना को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? प्रत्येक अवधि में सूचकांक में शामिल सभी देशों के लिए अलग अलग औसतन 6 संकेतकों की गणना की गई और इसे 0 यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन और 100 सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक के स्कोर में वर्गीकृत किया गया है। वैसे आप भी तो देखते हैं कि 100 अंक का कोई पेपर रहता है तो जिसका 0 अंक आता है वो सबसे बुरी स्थिति में है और जिसके 100 नंबर हैं वो सबसे अच्छी स्थिति में, ठीक है? इसके परिणाम की बात करें तो सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो आप देखेंगे वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस के बाद न्यूजीलैंड रैंकिंग में पहले स्थान पर। तो आपको मुझे लगता है कि टॉप 3 याद रखना है, कौन कौन से हैं? वियतनाम, देखिए यह है वियतनाम, उसके बाद देखेंगे ताइवान आपको देखने को मिलेगा, यहाँ छोटा सा देश है एक तरह से आप कहिए, चाइना का इस पर अधिकार अभी है, यह है आपका ताइवान, ठीक है? उसके बाद थाईलैंड की बात करें तो यह है थाईलैंड, ये टॉप 3 पर है, ठीक है? वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस के बाद न्यूजीलैंड रैंकिंग में शीर्ष स्तर पर यानी कि टॉप पर है। 3 को याद रखिए, मुझे लगता है इन्हीं में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पूछेगा। सूचकांक में अगर सबसे नीचे प्रदर्शन की बात करें तो ब्राजील सूचकांक में सबसे नीचे रहा है। ब्राजील कहाँ है? सबसे नीचे रहा है। ब्राजील ये है आपका, ठीक है? दक्षिणी अमेरिका में आपका ब्राजील है, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका अमेरिका 5वां सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश था जो 98 में से 94 स्थान पर रहा है, यानी कि अमेरिका 5वें स्थान पर है, ठीक है? इसका और सबसे बुरा खराब है, बुरी स्थिति है। सबसे नीचे से टॉप कौन कर रहा है? ब्राजील। ब्राजील के बारे में याद रखिए, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। ऊपर से टॉप कर रहा है वियतनाम और नीचे से टॉप कर रहा है ब्राजील, ठीक है? दक्षिण एशियाई देशों की अगर बात करें, जैसे हमारे पड़ोसियों की बात करें, इसमें आप देखेंगे जैसे हमारे पड़ोसियों की बात आती है तो ये है हमारे पड़ोसी, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया और मालदीव हो गया, यहाँ आपका नीचे मालदीव है। तो इनके प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दक्षिण एशिया में श्रीलंका का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इसी सूचकांक में इंडेक्स में 10वें स्थान पर आया है आपका श्रीलंका, जबकि मालदीव की बात करें तो 25वें स्थान पर आया है, पाकिस्तान आपका 69वें स्थान पर आया है, नेपाल 70वें स्थान पर आया है और बांग्लादेश 84वें स्थान पर आया है। आप समझ रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों की स्थिति भी हमसे बेहतर है, ठीक है?
और भारत की स्थिति की बात करें तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत 98 देशों में से 86वें स्थान पर रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या रही है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का औसत 24.3 है, जो इस क्षेत्र में एशिया पैसिफिक की औसत की तुलना में काफी कम है, क्योंकि क्षेत्रवार मूल्यांकन के मामले में एशिया पैसिफिक का स्कोर 58.2 है, जो कि क्षेत्रवार मूल्यांकन में श्रेष्ठ सर्व प्रदर्शन है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन भारत की स्थिति खराब रही है। छोटे देशों का बेहतर प्रदर्शन रहा है इसमें। सामान्य तौर पर कम आबादी वाले देशों, सुसंगठित समाज और सक्षम संस्थान इस वैश्विक महामारी के संकट से निपटने में तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में रहे हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, आप समझिए, लेकिन लॉकडाउन को सही तरीके से नहीं लगाया गया था। आपने देखा है कि लोगों को टाइम भी नहीं दिया गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। आप समझिए कि एक जगह से आप दूसरी जगह उन्हें भेज देते, उसके बाद आप 3 महीने का भी लॉकडाउन लगा देते, चल सकता था। लेकिन आपने देखा है एक ही रूम में, एक ही जगह पर हजारों लोग भरे पड़े हुए हैं, तो इससे और ज्यादा मुसीबतें देखी गई हैं, ठीक है, लाचारी देखी गई है। कुछ आपको टाइम देना चाहिए था, उसके बाद आपको लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। 10 लाख से कम आबादी वाले देशों वाले छोटे देशों ने 2020 तक लगातार अपने बड़े समकक्षों को पीछे छोड़ दिया था, यानी कि कम आबादी में आप समझ सकते हैं कि उनका नेतृत्व कर पाना बहुत आसान भी होता है। नेतृत्व के महत्व की बात करें तो आर्थिक विकास के स्तर और राजनीतिक प्रणालियों में अंतर का कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। महामारी का उचित प्रबंधन शासन व्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर नहीं था, लेकिन फिर भी या तो नागरिक अपने नेताओं पर भरोसा करते हैं, या फिर नेता एक सक्षम और प्रभावी राज्य की अध्यक्षता भी करते हैं। वायरस के प्रसार को कम करने हेतु तो उपयोग किए जाने वाले अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी और स्वास्थ्य उपायों ने विकसित और विकासशील देशों के मध्य समान अवसर सुनिश्चित किया है। हालांकि महामारी के लिए अन्य देशों में टीकों का प्रसार अमीर देशों के हित में हो सकता है। आने वाले समय की बात की जा रही है। आपने भी देखा है कि हम लोगों ने भी अपना स्वदेशी या देसी वैक्सीन बनाया हुआ है। इनका नाम है आपका, पहली आपकी कोविशील्ड और दूसरी थी आपकी कोवैक्सीन, ठीक है। ये दो वैक्सीन हमारे देश ने भी एक तरह से बनाई हुई है, और आपने देखा है कई लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है और दी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको अभी भी अपना ख्याल रखना है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर कम ध्यान दिया करिएगा। और वैसे भी आने वाले समय के लिए आपको चुनौती दे दी है कोरोना वायरस ने, कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से वायु प्रदूषण हो चुका है, तो मुझे लगता है कि मास्क तो आपको आगे भी लगाते रहना चाहिए, हाथ तो आपको आगे भी धोते रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा हमारे ही हाथ में, ठीक है। तो सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है।